अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, देयर फोर आई लाई विद हर, अतः मैं उसके साथ सोता हूँ, एंड सी विद मी, और वह मेरे साथ सोती है, एंड इन आवर फॉल्ट्स बाई लाइज बी फ्लैटर्ड बी, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर। ये लाइनें कहाँ होती हैं? तो ये लाइनें दोस्तों सॉनेट नंबर 138 से ली गई हैं, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर जो लाइज है, लाइज के दो मीनिंग होते हैं, एक तो लाई का मतलब सोना है और दूसरा लाई का मतलब झूठ बोलना होता है, इसीलिए यहाँ पे पन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, डंकन इज द किंग ऑफ, डंकन कहाँ का राजा दिखाया जाता है? तो डंकन स्कॉटलैंड का राजा दिखाया जाता है। मैल्कम, मैल्कम एंड डोनाल्वेन आर सन्स ऑफ, मैल्कम और डोनाल्वेन किसके बेटा होते हैं? तो राजा डंकन के बेटा दिखाए जाते हैं ये दोनों। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैकबेथ एंड बैंको आर, जो मैकबेथ और बैंको होते हैं राजा डंकन की सेना में क्या दिखाए जाते हैं? जनरल्स होते हैं ये दोनों। अगला, फ्लेंस इज द सन ऑफ, फ्लेंस किसका पुत्र होता है? तो बैंको का पुत्र दिखाया जाता है। द ऑफिसर अटेंडिंग ऑन मैकबेथ इज, तो मैकबेथ का ऑफिसर अटेंडिंग कौन दिखाया जाता है? सेटन दिखाया जाता है, सेटन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी बिचेज आर इन मैकबेथ, मैकबेथ में कितनी बिचेज हैं, बिचेज का मतलब चुड़ैलें कितनी दिखाई जाती हैं? तो फोर यानी कि चार चुड़ैलें दिखाई जाती हैं। अगला, रॉस एंड एंग्यूस मीट मैकबेथ विद द टाइटल ऑफ, तो थेन ऑफ काउडर यानी कि काउडर क्या होता है यहाँ पे? रॉस और जो एंगस होते हैं वो मैकबेथ को किस उपाधि के लिए बधाई देते हैं? तो थेन ऑफ काउडर बनाने के लिए वो उनको बधाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैकडफ भाग जाता है, कहाँ भाग जाता है? तो इंग्लैंड चला जाता है, कहाँ चला जाता है? इंग्लैंड, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। अगला, मैकबेथ किल्स मैकडफ, मैकबेथ जो है वो किल्स मार देता है, किसको मार देता है? मैकडफ को। मैकडफ की वाइफ और चिल्ड्रन दोनों लोगों को मार देता है, ये जो मैकबेथ होता है वो मैकडफ की पत्नी को भी मार देता है और उनके बच्चों को भी मार देता है। बोथ आर करेक्ट, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला, मैकडफ गोज टू मीट, मैकडफ मिलने के लिए जाता है, किससे मिलने के लिए जाता है? तो मैल्कम से मिलने के लिए जाता है इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है, मैकडफ किल्स, मैकडफ किसको मार देता है? तो मैकडफ जो है वो किसको मार देता है? मैकबेथ को मार देता है लास्ट में, बिल्कुल इस ट्रेजेडी के अंत में। अगला, हु बिकेम द किंग इन द एंड, अंत में वहाँ का राजा कौन बनता है? तो अंत में वहाँ का राजा जो है वो मैल्कम बनता है, यानी कि सी ऑप्शन है, मैल्कम। अगला क्वेश्चन हमारा, द अदर टाइटल ऑफ ट्वेल्थ नाइट इज, ट्वेल्थ नाइट का जो ट्वेल्थ नाइट है उसका दूसरा टाइटल आपको बताना है। तो व्हाट यू विल इसका दूसरा टाइटल है, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। ऑर्सिनो इज द ड्यूक ऑफ, ऑर्सिनो कहाँ का ड्यूक दिखाया जाता है? ड्यूक ऑफ इलेरिया, वो इलेरिया का राजा दिखाया जाता है। अगला, ऑर्सिनो इज इन लव विद, ऑर्सिनो किसको प्यार, किसके प्यार में पड़ जाता है? तो ओलिविया के प्यार में पड़ जाता है, सी ऑप्शन हमारा होगा। अगला, द डिस्गाइज सिजेरियो इज, सिजेरियो का भेस किसने, यानी कि सिजेरियो के रूप में कौन है? तो किसने सिजेरियो का रूप रखा था? बियोला ने। जो बियोला थी वो किसके भेस में होती है? सिजेरियो के भेस में। अगला, एंटोनियो, एंटोनियो इन ट्वेल्थ नाइट इज, वो कौन दिखाया जाता है? एंटोनियो जो है वो सी कैप्टन दिखाया जाता है। ट्वेल्थ नाइट में जो एंटोनियो होता है वो सी कैप्टन दिखाया जाता है, ध्यान बनाए रखना एक एक चीज़ को। अंकल ऑफ ओलिविया इज, ओलिविया के अंकल कौन दिखाए जाते हैं? तो सर टॉबी बेल्च होते हैं, यानी कि ओलिविया के अंकल का नाम क्या होता है? सर टॉबी बेल्च। अगला क्वेश्चन है हमारा, मालवोलियो इज द स्टेवर्ड ऑफ, ये जो मालवोलियो दिखाया जाता है वो किसका स्टेवर्ड दिखाया जाता है? ये ओलिविया का स्टेवर्ड दिखाया जाता है, ओलिविया, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओलिविया अ रिच काउंटेस इज इन लव विद, जो ओलिविया होती है जो कि एक रिच काउंटेस दिखाई जाती है, वो किसके प्यार में पड़ी हुई है, वो किससे प्यार करने लगती है? तो वो सिजेरियो से प्यार करने लगती है, जो कि अभी बदले हुए भेष में है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, हु इज द मेड ऑफ ओलिविया, ओलिविया की मेड कौन दिखाई जाती है, नौकरानी कौन होती है, तो ओलिविया की नौकरानी जो है वो मारिया दिखाई जाती है, कौन होती है, मारिया, ए ऑप्शन होगा हमारा। अगला क्वेश्चन है द क्लाउन इन ट्वेल्थ नाइट इज, ट्वेल्थ नाइट में क्लाउन कौन, जोकर कौन दिखाया जाता है, तो फीस्टे दिखाया जाता है, डी ऑप्शन फीस्टे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, द प्रिंस ऑफ मोरक्को एंड द प्रिंस ऑफ एरोगन आर द सूटर टू, ये किससे, सूटर का मतलब होता है शादी करने की इच्छुक व्यक्ति, ये जो प्रिंस ऑफ मोरक्को होते हैं और दूसरे प्रिंस ऑफ एरोगन होते हैं एक किससे शादी करने के इच्छुक व्यक्ति हैं, तो पोर्सिया से, इन मर्चेंट ऑफ वेनिस, किस में, मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्सिया से, लेकिन पोर्सिया किससे शादी करती है, बासानियों से शादी करती है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, हु इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले में मर्चेंट ऑफ वेनिस कौन दिखाया जाता है, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस का व्यापारी किसको दिखाया जाता है, इसमें चार ऑप्शन आपके सामने, एंटोनियो को दिखाया जाता है, किसको, देखो एंटोनी और एंटोनियो दोनों ऑप्शन है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, सी ऑप्शन एंटोनियो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, बासानियो इज द फ्रेंड ऑफ, बासानियो किसका दोस्त होता है, तो एंटोनियो का दोस्त दिखाया जाता है। अगला, लोरेंजो इज इन लव विद, लोरेंजो किसके प्यार में होता है, तो जेसिका से प्यार करता हुआ दिखाया जाता है। अच्छा, जेसिका किसकी बेटी होती है, तो साइलॉक की बेटी होती है, ठीक है। साइलॉक कौन होता है, एक जीव दिखाया जाता है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज द सर्वेंट ऑफ साइलॉक, साइलॉक का सर्वेंट कौन होता है, साइलॉक का नौकर कौन दिखाया जाता है मर्चेंट ऑफ वेनिस में, तो लॉन्सलॉट गोबो दिखाया जाता है, ए ऑप्शन हमारा होगा। नरेसा इज द बेटिंग मेड, नरेसा जो है वो बेटिंग मेड दिखाई जाती है, किसकी बेटिंग मेड दिखाई जाती है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन फिर से आपके सामने दे रखे हैं, किसकी होती है नरेसा, पोर्सिया की बेटिंग मेड दिखाई जाती है, ठीक है, ध्यान बनाए रखना, कृषि किसकी, पोर्सिया की। अगला क्वेश्चन है हमारा, जेसिका इज दी डॉटर ऑफ, जेसिका किसकी पुत्री दिखाई जाती है, तो जेसिका जो है वो साइलॉक की बेटी होती है। अगला, पोर्सिया इज बिलोंग टू, पोर्सिया कहाँ से बिलोंग करती है, तो बेलमोंट से बिलोंग करती है पोर्सिया। प्रेजेंट, अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंट फियर आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स, हु सेज, ये कोटेशन कौन कहता है, तो ये कोटेशन कहने वाला मैकबेथ होता है, मैकबेथ प्ले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लव थॉट्स लाई रिच वेन कनोपाइड विद बावर्स, हु सेज, ये कौन कहता है, तो ये भी कौन कहता है, ये चार ऑप्शंस हैं, चार में से एक सही है, तो इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, ड्यूक ऑर्सिनो कहता है इन ट्वेल्थ नाइट में। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, वोमेन आर एज रोजेज हुज फेयर फ्लावर बींग वंस डिस्प्लेड दोथ फॉल डेड बेरी आवर हु सेज, ये कौन कहता है, तो ये कहने वाला कौन है, ये ऑर्सिनो ही है, और किस में कहता है, इन ट्वेल्थ नाइट में, ये दोनों ही ऊपर के स्पीच ड्यूक ऑर्सिनो द्वारा बोले जाते हैं ट्वेल्थ नाइट प्ले में। अगला क्वेश्चन है हमारा, फार फॉली डेट ही वाइजली सोच इज फिट वाइज मैन फॉली फॉलिन क्वाइट टेंट देयर बिट दिस इज व्हाट बियोला सेज अबाउट, ये बियोला किसके बारे में कहती है, तो फीस्टे के बारे में कहती है, किसके बारे में, फीस्टे के बारे में। इस कोटेशन का मतलब ये हुआ कि जो मूर्ख सोचता है कि वह बुद्धिमान है, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं को मूर्ख समझता है। इतना क्लियर हो गया, एक बार फिर मैं कह देता हूँ कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो स्वयं को मूर्ख समझता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, अगला क्वेश्चन है हमारा, लेट मी गिव लाइट बट लेट मी नॉट बी लाइट फॉर अ लाइट वाइफ दोथ मेक अ हैवी हस्बैंड दिस इज व्हाट पोर्सिया सेज इन, तो ए पोर्सिया किसके बारे में कहती है, ए पोर्सिया कहती है मर्चेंट ऑफ वेनिस में,
किस में कहती है? मर्चेंट ऑफ वेनिस में कहती है, ठीक है, ध्यान बनाए रखना। ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा इसका। इन लाइनों में पोर्सिया का मतलब ये है कि जो कम वजन वाली महिला होती है वो भारी वजन वाले आदमी से शादी करती है। मेक अ हैवी हस्बैंड लिखा है, लाइट फॉर द लाइट वाइफ डज मेक अ हैवी हस्बैंड, यानी कि कम वजन वाली महिला भारी वजन वाले आदमी से शादी करती है। उसके कहने का मतलब ये है वह एक अमीर, जबकि उसका पति कैसा था, वो बहुत गरीब था। अगला क्वेश्चन क्या है, लेट स्टिल द वुमन टेक एन एल्डर देन हरसेल्फ सो बियर सी टू हिम सो सोएज सी लेवल इन हर हस्बैंड्स हार्ट, दिस इज व्हाट ऑर्सिनो सेज इन। ये जो ड्यूक ऑर्सिनो होता है वो कौन से प्ले में कहता है, ट्वेल्थ नाइट में कहता है। एक्चुअली होता क्या है, ट्वेल्थ नाइट के एक्ट सेकेंड और सीन फोर्थ में जो ऑर्सिनो है, ड्यूक ऑर्सिनो, वो सेजेरियो, सेजेरियो से मतलब जो बदला हुआ बियोला ने अपना पुरुष रूप धारण कर लिया है और अपना नाम रख लिया है सेजेरियो। तो पुरुषों और महिलाओं और प्रेम के बारे में बात करता है कि पुरुष और महिला के बीच में जो प्रेम होता है इसकी चर्चा की गई है इन लाइनों में। और वह सुझाव देता है ऑर्सिनो सेजेरियो के लिए, क्या सुझाव देता है कि सेजेरियो अपने से कम उम्र की किसी लड़की से विवाह करे। और जहाँ पर ये ड्यूक होते हैं, ड्यूक ये भी कहते हैं कि पुरुष महिलाओं की तुलना में अधिक चंचल होते हैं और एक महिला से दूसरी महिला के प्रति अपने प्रेम को बदलने की अधिक संभावना होती है। वह देखता है कि महिलाएं अपने प्रेम के प्रति अधिक प्रतिबद्ध और वफादार होती हैं। एक्चुअली ये इसलिए कहता है, बिल्कुल नाटक के अंत में जब ड्यूक ऑर्सिनो का जो प्रेम होता है वो वास्तव में किसी दूसरे महिला के प्रति बदल जाता है, पहले वो किसी और से प्रेम कर रहा होता है लेकिन लास्ट में वो किसे, बियोला से प्रेम करने लगता है, है ना। पहले ओलिविया से करता है फिर बियोला से करता है, तभी इस स्टेटमेंट को बोला जाता है, ठीक, ध्यान बनाए रखना। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, दिस इवन हैंडेड जस्टिस कमांड्स द इंग्रेडिएंट्स ऑफ आवर पॉइजेंट कैलिस टू आवर ओन लिप्स, दिस इज अ पार्ट ऑफ द सोलोलॉकी ऑफ, ये किसका पार्ट है, मैकबेथ की सोलोलॉकी है। इसमें एक्चुअली बोला क्या जाता है, एक निष्पक्ष न्याय के बारे में बात करते हैं कि निष्पक्ष न्याय हमारे जहरीले प्याले की सामग्री को हमारे ही होंठों पर चढ़ा देता है। ये जो निष्पक्ष न्याय है, क्योंकि उसके हाथ में तराजू है, वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है, वह निष्पक्ष है, ठीक है। तो मैकबेथ कहता है इसमें। अगला क्या है, लव इज़ ब्लाइंड, बहुत इंपॉर्टेंट है लव इज़ ब्लाइंड, और ये कोटेशन आपने हमेशा सुनी होगी, एंड लवर्स कैन नॉट सी द प्रीटी फॉलीज डेट देम सेल्फ कमिट फॉर इट दे कुड कोपेट हिमसेल्फ वुड ब्लस टू सी मी दस ट्रांसफॉर्म्ड टू अ बॉय, दिस इज व्हाट जेसिका सेज इन एक्ट सेकेंड सीन सिक्स ऑफ। तो जेसिका का जिक्र हो गया तो अपने आप पहचान लिया होगा ये मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात हो रही है। इसका मतलब ये हुआ लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। अब प्यार अंधा नहीं होता है भाई, प्यार कैसे, लव कैसे, यहाँ पे पर्सोनिफाइड लव को किया गया है, तो लव कोई अंधा थोड़े ना हो जाएगा। प्यार में पड़े हुए व्यक्ति अंधे होते हैं, जो व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करते हैं उनको एक दूसरे में कोई भी खामी या कोई भी कमी नज़र नहीं आती, सब कुछ अच्छा ही अच्छा लगता है, ठीक है। इसका मतलब ही यही है कि पुरुष और महिलाएं अक्सर जो वास्तविकता होती है या अपना कोई भी उसका प्रिय होता है उसकी सच्चे प्रकृति को भूल जाते हैं कि वो सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा है क्या है, बुरा क्या है, अंधे के सावन को सब कुछ हरा ही हरा दिखने लगता है। तो इसीलिए इस कहावत को कहा गया है, बहुत फेमस प्रोवर्ब्स है ये, लव इज़ ब्लाइंड। तो प्यार अंधा नहीं होता है, प्यार में पड़े हुए व्यक्ति अंधे होते हैं, मर्चेंट ऑफ वेनिस की ये लाइनें ली गई हैं, और इसको जेसिका द्वारा बोला जाता है एक्ट सेकेंड और सीन सिक्स में। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, ऑल ट्रू लवर्स आर अनस्टेड एंड स्किटिश इन ऑल मोशंस इल सेव इन द कॉन्स्टेंट इमेज ऑफ द क्रिएचर डेट इज बिलव्ड, इज दिस इज वॉट ऑर्सिनो सेज इन एक्ट सेकेंड एंड सीन फोर्थ। अब आपको ये समझना है, ये जो ड्यूक ऑर्सिनो के द्वारा बोली गई लाइनें हैं जो कि एक्ट सेकेंड और सीन फोर्थ में बोली जाती हैं, और ये लाइनें कहाँ की हैं, ट्वेल्थ नाइट से ली गई हैं। एक्चुअली होता क्या है, इसमें सभी सच्चे प्रेमी जो है अप्रयुक्त हैं, सभी गतिविधियों में
स्थिति उस प्राणी की सामग्री छवि के समान है जो उनके प्रिय हैं। मतलब ये है यहाँ पर कि चरित्र को लेकर के ये पंक्तियाँ बोली जाती हैं जो सच्चे प्यार के प्रकृति को मूडी और चंचल के रूप में वर्णित करती हैं, लेकिन प्रिय की जो उनका प्रिय होता है, जो उनका लवर होता है, उसकी जो छवि होती है वो स्थिर होती है। ठीक है, दोनों यहाँ पर एक्चुअली होता है क्या है, ट्वेल्थ राइट में ऑर्सिनो दिखाया जाता है एक तरफ और दूसरी तरफ ओलिविया दिखाई जाती है। ये दोनों ही ऐसे कैरेक्टर हैं जो दोनों ही मजबूत भावनाओं का अनुभव करने का दावा करते हैं, लेकिन अंततः ये दोनों ही आत्मभोगी हैं, मेलोड्रामा का आनंद लेते हैं। ऑर्सिनो ओलिविया के लिए तरसता है, लेकिन उसका प्यार अधिक आत्म उन्मुख होता है, वह अपना रास्ता पाने के लिए दृढ़ है। दूसरी ओर ओलिविया को याद है कि सिजेरियो एक स्वतंत्र प्राणी है, ठीक है, और जो ओलिविया होती है वो किसके लिए तरसती है, सिजेरियो के लिए तरसती है। तो इस तरीके की कहानी चलती रहती है। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, उन्होंने कहा है, आई होल्ड द वर्ल्ड बट एज द वर्ल्ड अ स्टेज वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले अ पार्ट। ये दुनिया एक रंगमंच है और प्रत्येक व्यक्ति इस दुनिया में आकर के अपनी अपनी भूमिका निभाता है। एंटोनियो स्पीक दीज लाइन्स इन मर्चेंट ऑफ वेनिस, और कौन से एक्ट और कौन से सीन में बोलता है, तो एक्ट फर्स्ट होता है और सीन फर्स्ट होता है। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ही इज अ फेमस हिंदी राइटर, वह एक प्रसिद्ध हिंदी राइटर हैं। ही ट्रांसलेटेड शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस, उन्होंने विलियम शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस को ट्रांसलेट किया था। इट इज़ नोन एज दुर्लभ बंधु, यानी कि दुर्लभ बंधु के नाम से भी इनको जाना जाता है। हु इज़ द फेमस हिंदी राइटर, वो हिंदी राइटर कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ठीक है, इसका नाम ध्यान बनाए रखना, भारतेंदु हरिश्चंद्र ही वो प्रसिद्ध हिंदी लेखक हैं जिन्होंने शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद किया था, जिनको दुर्लभ बंधु के नाम से भी, यानी कि दुर्लभ बंधु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन हमारा 44 नंबर पे है, बेन जॉनसन राइट्स सोल ऑफ द एज द अप्लाउज डिलाइट द वंडर ऑफ आवर स्टेज ही राइट अबाउट, वो किसके बारे में लिखते हैं, तो विलियम शेक्सपियर के बारे में बेन जॉनसन कहते हैं। अगला ये एक कोटेशन है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारी पूछी भी जाती है एग्जाम में। अगला क्या है कि ही कंपेयर द एक्सीलेंस ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज विद दोज ऑफ प्लेटोस एंड सिनेकिया सिनेका इन हिज वर्क प्लेडिस्टेमिया इज कॉल्ड शेक्सपियर मिलीफ्लुअस एंड हनी टंग्ड हु इज ही। तो हम ये क्वेश्चन कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि विलियम शेक्सपियर को मिलीफ्लुअस हनीटंग किसने कहा, तो थॉमस हेबुड ने कहा था। किसने, थॉमस हेबुड। और मिलीफ्लुअस का भी मतलब होता है स्वीट, यानी कि मधुर शेक्सपियर। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो विलियम शेक्सपियर के नाटक हैं उनकी जो एक्सीलेंस है विलियम शेक्सपियर के नाटकों की, उसकी तुलना जो है थॉमस हेबुड किससे करते हैं, प्लेटोस और सिनेका से करते हैं। उनका इन्हीं का एक वर्क है, अपनी खुद की रचना है प्लेडिस्टेमिया, और जो प्लेडिस्टेमिया है जो कि 1598 में आई थी, इस प्लेडिस्टेमिया में इन्होंने, किसने, थॉमस हेबुड ने शेक्सपियर को क्या कहा था, मधुर और मधुरभाषी कहा था, मिलीफ्लुअस एंड हनीटंग बोला था। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि थॉमस हेबुड ने विलियम शेक्सपियर को मिलीफ्लुअस एंड हनीटंग कौन से वर्क में कहा था, तो प्लेडिस्टेमिया याद बनाए रखना, ठीक है, जो कि 1598 में आई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेन बाज विलियम शेक्सपियर बॉर्न, विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था, तो 23 अप्रैल 1564 को हुआ था। अगला, बेन बाज विलियम शेक्सपियर बेप्टाइज, लेकिन इनका नामकरण संस्कार कब हुआ था, तो 26 अप्रैल 1564 को। जन्म 23 अप्रैल, उसके 3 दिन बाद इनका हॉली ट्रिनिटी चर्च में क्या हुआ था, बेप्टाइजेशन हुआ था, नामकरण संस्कार हुआ था। अगला, द नेम ऑफ शेक्सपियर्स फादर एंड मदर वर, विलियम शेक्सपियर के माता पिता का क्या नाम था, तो पिता का नाम जॉन शेक्सपियर और माता का नाम मैरी आर्डन, यानी कि ए ऑप्शन हमारा क्या होगा,
सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेक्सपियर वाज बॉर्न इन स्टेटफोर्ड ऑन एवन, जो कि एक विलेज है, व्हाट काउंटी इज द विलेज इन, ये कौन से काउंटी में है, तो बार्कबिकशायर में ये गांव है, बार्कबिकशायर सी। अगला कौन सा है हमारा, कि विच एज विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू, विलियम शेक्सपियर कौन सी एज से बिलोंग करते हैं, तो एलिजाबेथन एज से विलियम शेक्सपियर बिलोंग करते हैं। तो ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।